Guys, this is Ritu Tamrate and you are watching my channel Literature with Ritu. In today's session, we are going to do the second part of Chief Seattle, the first part of which I have already uploaded. And I must suggest before watching this video of the second part of Chief Seattle, you must go and watch the first part of this Chief Seattle, without which it will be somewhat difficult for you to understand this part. Fine. So let's start. Up to here we had already understood. Up to here, extensive country. So up to the extensive country we had already done in the first part. And after this extensive country, after this line, that means from here, there was a time when our people, yahan se aaj hum log shuru karenge. Okay? So chaliye shuru karte hain. There was a time when our people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea cover its shell-paved floor. एक समय था जब हमारे लोग इस लैंड को ऐसे कवर करते थे. मतलब यहाँ पर एक कंपैरिजन है. किस चीज़ से कंपैरिजन है? हमारे लोग इस लैंड को ऐसे कवर करते थे जैसे कि एक इस तरह से कवर करते थे हमारे लैंड को हमारे लोग, जैसे कि सी जो होता है, समंदर जो होता है, उसमें जब वेव्स उठते हैं, वेव्स उठते हैं किसकी वजह से? विंड रफल्ड, विंड की वजह से. जब स्टॉर्म आता है इतनी जोर जोर से, विंड रफल्ड मतलब ऐसा सी का सरफेस जो विंड के द्वारा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया हो. और जब सी का जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तब क्या होता है? वेव्स उठते हैं. तो विंड रफल्ड का ये मतलब हुआ, डिस्टर्ब्ड बाय द विंड. व्हेन द सरफेस ऑफ द सी इज डिस्टर्ब्ड बाय द वाइल्ड विंड्स और द स्टॉर्म, देन वी नो दैट वेव्स कम, वेव्स उठते हैं उसके ऊपर. और ये वेव्स उस फ्लोर को कवर करते हैं. अब वेव्स, जब भी समंदर में वेव्स उठता है तो वेव्स उठ के उसी जगह पे तो नहीं रहता है ना, वो आगे आता है और फ्लोर को टच करता है, फ्लोर को, अपने फ्लोर को टच करता है. और उस फ्लोर को टच करता है, वो वेव्स उस फ्लोर को टच करता है जो कि शेल पेव्ड हो. शेल पेव्ड का क्या मतलब हुआ? पेव्ड मतलब जो किसी चीज़ से कवर हो, ऐसा ऐसी जगह जो किसी चीज़ से कवर्ड हो. तो शेल का क्या मतलब हुआ? जो शेल पेव्ड का क्या मतलब हुआ? ऐसा फ्लोर जो कवर्ड है किसे? शेल से. शेल हम जानते हैं वो जो समुद्र में पाया जाता है, छोटे छोटे शेल्स होते हैं जो हार्ड, जिनका कवर हार्ड होता है. तो ऐसे छोटे छोटे शेल्स पाए जाते हैं. तो ये जो फ्लोर है वो शेल पेव्ड होता है और इतने शेल्स होते हैं वहाँ पे उस फ्लोर के ऊपर. और उसी फ्लोर को जैसे समंदर की लहरें आकर कवर कर लेती हैं, पूरी भर लेती हैं उस फ्लोर को, उसी तरह से हमारे लोग भी पहले के समय में हुआ करते थे. लेकिन ज़रूर कुछ हुआ होगा जो वो अब इतने ज़्यादा नंबर में नहीं है. दे आर नॉट न्यूमरस इन नंबर. सो क्यों है, नहीं है न्यूमरस इन नंबर में? क्या हुआ था? सो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनडेफिनेटली लार्ज इन नंबर, मतलब there were many in numbers. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी संख्या जो है इतनी कम हो गई है? क्योंकि मैं पहले फर्स्ट पार्ट में बताई हूँ कि वो लोग को जो वाइट पीपल होते हैं वो उनसे लड़ते थे, और ये जो रेड इंडियंस थे ये भी लड़ते थे अपनी रक्षा के लिए. और ऐसे करते करते उनकी संख्या जो धीरे धीरे कम हो गई, एकदम से कम हो गई, और अब वो बहुत फ्यू है. दे आर वेरी लेस इन नंबर्स. That time long since passed away with the greatness of tribes that are now but a mournful memory. अब वो समय चला गया है लेकिन with the greatness of tribes, और tribes के greatness के साथ, मैंने वो number चला गया, मैंने वो जो tribes के जो जो number जो कम हो गया है वो कैसे कम हो गया? उनका greatness के चलते. क्योंकि greatness कैसे? क्योंकि वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी. और देट आर नाउ बट आर मॉर्नफुल मेमोरी, एक ऐसी याद है जिसको वो उनके वो जो मॉर्नफुल है, जिनके ऊपर उनको बहुत दुख होता है.
आई विल नॉट ड्वेल ऑन, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ. आई विल नॉट, आई मीन आई डोंट फील लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट दीज पीपल. मैं इनके बारे में ड्वेल अपॉन मतलब बात नहीं करना चाहते हैं वो उनके बारे में. नॉर मॉर्न ओवर, और नहीं मैं उनके ऊपर मॉर्न ओवर करना चाहता हूँ, मतलब उनके ऊपर कोई और ना ही उनके ऊपर वो मॉर्न ओवर करना चाहते, मतलब कि वो कोई भी, ही डजेंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस एनी सैडनेस और सोरो ओवर देयर डेथ. उनके ऊपर कोई वो सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ग्रीव नहीं करना चाहते हैं उनके डेथ को, क्योंकि आवर अल्टीमेटली डिके, सॉरी उसके बाद और भी है कुछ, उस बात नहीं करना चाहते, उनको सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं. आवर अल्टीम अनटाइमली डिके नॉर रिप्रोच, और हमारे अनटाइमली डिके को, ऐसा डिके हुआ, ऐसा डिसइंटीग्रेशन हुआ उनके जीवन में जो कि अनटाइमली था, अभी नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, उसके बारे में वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते. नॉर रिप्रोच माय पेल फेस ब्रदर्स, और डांटना भी नहीं चाहते अपने पेल फेस ब्रदर्स. कौन है वो? वाइट अमेरिकन जो, उनको पेल फेस ब्रदर्स कहा जा रहा है, जो सिएटल बोल रहे हैं उनको, तो उनको वो उसके बारे में भी कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहते हैं. विथ हैस्टेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के, बहुत ज़्यादा मतलब हैस्टेनिंग करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आकर, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी मचाते हुए, वो उनको भी नहीं डांटना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि एज़ वी टू मे हैव बिन सम वॉट टू ब्लेम, क्योंकि उनको लगता है कि हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं. कैसे जिम्मेदार हैं? यूथ इज इम्पल्सिव, यूथ जो होता है, यंग एज जो होता है, उस एज में जो बच्चे होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पल्सिव? इम्पल्सिव मीन्स दैट इफ़ यू टेक एन एक्शन विदाउट कंसिडरेशन, इफ़ यू डोंट कंसिडर ओवर द मैटर, डोंट पॉन्डर ओवर इट, डोंट थिंक अबाउट इट मच, कि क्या करना चाहिए, व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, वेदर वी शुड टेक एक्शन और वी शुड नॉट, और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू. सो जो बिना कंसिडरेशन किए जो अपने एक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है उसको इम्पल्सिव बोलते हैं. और हम जानते हैं यूथ बहुत इम्पल्सिव होता है क्योंकि वो किसी का सुनता नहीं, उसको जो समझ में आता है वो फटाक से कर देता है जाके. व्हेन आवर यंग मैन ग्रो एंग्री एट सम रियल और इमेजिनरी रॉन्ग, अब जब वो गुस्सा होते थे, उनके जो पहले के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गुस्सा होते थे, अगर कोई रियल भी बात हो, कोई सच में गुस्सा होने वाली बात भी हो तो भी, या फिर इमेजिनरी रॉन्ग, उनको लगता था कि कोई कुछ रॉन्ग हुआ है उनके साथ, वो जो नहीं भी हुआ होगा उनको लगता था रॉन्ग हुआ है, तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते थे और डिसफिगर देयर फेसेस विद ब्लैक पेंट, और अपने फेसेस को ब्लैक पेंट लगा लेते थे. अब हम लोग पिक्चर विक्चर में देखते होंगे कि ये जो ट्राइब्स होते थे पहले के, वो कैसा सिर में एक मुकुट अजीब सा कुछ पहने रहते थे सिर के ऊपर, और अपने चेहरे को ब्लैक पेंट लगा लेते थे अपने चेहरे पे, तो उनका कस्टम था, उनका कल्चर था ऐसे रहने का. तो कैसे वो अपना चेहरा को ब्लैक पेंट कर लेते थे, तो चलिए देखते हैं. ये देखिए कैसे ब्लैक कर लेता था चेहरा को अपना. तो इट डिनोट्स देयर हार्ट्स आर ब्लैक एंड दैट, और ये डिनोट करता था कि उनका जो दिल है वही काला था. वो अपने चेहरे को तुरंत डिसफिगर कर लेते थे, तुरंत वो समझते नहीं थे, वो सोचते नहीं थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दे जस्ट टुक देयर डिसीजन दैट दे हैड टू टेक एक्शन एंड अकॉर्डिंगली दे यूज टू पेंट देयर फेसेस ब्लैक एंड they just did whatever they wanted. They did not listen to anybody. इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनका चेहरा जो वो जैसे ब्लैक करते थे, उनका हार्ट भी वैसे ब्लैक था. And that, let's go to the next page. And that they are often cruel and relentless. और वो पूरी तरह से cruel हो जाते थे और relentless भी हो जाते थे. मतलब वो उस चीज़ को करते ही करते थे जो वो चाहते थे. रिलेंटलेस मतलब विदाउट डिले और स्टॉपिंग, बिना सोचे समझे दे जस्ट स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विच दे वांटेड विदाउट स्टॉपिंग विदाउट डिले. रिलेंटलेस का मतलब मैंने आपको बताया एंड आई गेव ऑल्सो सम ऑफ द सिनोनिम्स फॉर रिलेंटलेस. एंड आवर
ओल्ड मेन एंड ओल्ड वुमेन आर अनेबल टू रेस्ट्रेन देम, और हमारी जो औरतें होती थी, हमारी जो वुमेन होती थी, वो उनको रोक नहीं पाती थी। और मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अपने वीडियोस में आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स का आई एम गिविंग सिनोनिम्स, आई एम गिविंग एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी वर्ड विच आर रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज यू नो, इन ऑल माई वीडियोज आई से, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इन योर एग्जामिनेशन यू पीपल आर गिवन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस दिया जाता है, एंड यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस रेफरेंस, एंड वेल यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, नो डाउट। लेकिन ये आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको पूरा चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फर्स्ट पार्ट, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आए। अच्छे से समझने के लिए यू नो ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आए, ईच एंड एवरी लाइन समझ में आए, एंड दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन विथ विद द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड इन दैट चैप्टर आई एम डीलिंग विथ। और उसके अलावा मैं आपको हर वर्ड का, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड, और ताकि आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का यू कुड गिव द आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो मैंने अपने हर वीडियोज़ में दिया है, इसमें भी दे रही हूँ, तो यू कैन नोट देम डाउन ऑल्सो। दस अनेबल टू रिस्ट्रेन देम, दस इट हैज़ एवर बीन, और ऐसा ही हमेशा से रहा। दस इट वॉज वेन द White man begin to push our forefathers ever westward, और ये तब हुआ जब white man, जो ये white people थे, हमारे forefathers को पूरी तरह से westward, west की तरफ ढकेलना चाहते थे कि पूरी तरह से west की तरफ चले जाओ, इधर मत आओ। But let us hope that the hostilities between us may never return, लेकिन हम hope करते हैं, हम आशा करते हैं कि ये hostilities जो है, जो हमारे बीच में है, हॉस्टिलिटीज मतलब दुश्मनी, सो अगेन आई एम गिविंग यू सम वर्ड्स फॉर हॉस्टिलिटीज, यू कैन नोट देम डाउन ऑल्सो। एनिमोजिटीज लिख सकते हैं आप, एनिमिटीज लिख सकते हैं, और हेट्रेड भी लिख सकते हैं। तो ये हॉस्टिलिटीज जो है वो हमारे बीच फिर से ना आए, ऐसा चीफ सिएटल जो है होप करते हैं, आशा करते हैं। वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन, बोल रहे हैं हमारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, लेकिन पाने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसिडर्ड गेन इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स। अब यंग मैन जो होते हैं वो रिवेंज लेने को, मतलब जो बदला लेने को, वो अपना सब कुछ मान सकते हैं, अपना गेन मान सकते हैं, प्रॉफिट मान सकते हैं, बेनिफिट मान सकते हैं, जबकि उसके लिए हाउएवर दे हैव टू लूज देयर लाइफ फॉर दैट, इट डजंट मैटर फॉर देम, इट डजंट मैटर एट ऑल कि वो भले ही अपना लाइफ को खो दें उसके लिए, बट whatever what matters is their revenge, वो अपना बदला ले ले, revenge ले ले, यही उनके लिए सब कुछ है। but old men who stay at home in times of war and mothers who have sons to lose know better, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या, उन mothers के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन बूढ़े लोगों के बारे में क्या जो कि इस war के समय घर पे बैठे रहते हैं, ये ओल्ड मैन जो है उनके बारे में क्या जो घर पे बैठी रहती है, मदर्स और ओल्ड मैन जो जिनको डर होता है कि वो अपने बेटों को खो ना दे, वो समझते हैं, वो इसका असली मतलब समझते हैं कि रिवेंज लेने से क्या होता है, कि रिवेंज लेना सही है या गलत है, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि रिवेंज लेने में वो अपना रिवेंज तो हो जाता है लेकिन वो अपनी जान को गंवा बैठते हैं, जो कि घर के बड़े बूढ़े कभी भी नहीं चाहते। Our good father in Washington, for I presume is now our father as well as yours, since King George has moved his boundaries further north.
अब बोल रहा हमारे हमारा गुड फादर जो वॉशिंगटन में बैठा हुआ है, मतलब किसको बोल रहे, जॉर्ज वॉशिंगटन को बोल रहे हैं कि मैं उसको प्रिज्यूम, मतलब मैं मानता हूँ कि अब वो हमारे पिता है। क्यों? क्योंकि पिता ही है ना, अब सब कुछ उनका लैंड को छीनना चाहता है और उनके ऊपर राज करना चाहता है, तो पिता ही बन गया। और ये तो आयरनी दे रहे हैं, ये उनके ऊपर व्यंग, मतलब व्यंग के तरीके से उनके ऊपर बोल रहे हैं कि अरे अब तो वो हमारे पिता बन चुके हैं। और किंग जॉर्ज हैज़ मूव्ड हिज बाउंड्रीज फर्दर नॉर्थ, और किंग जॉर्ज ने अपने बाउंड्रीज को नॉर्थ की तरफ भी खींच लिया है, मतलब नॉर्थ की तरफ, वही जहाँ वो रहते थे नॉर्थ की तरफ। मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, पूरा यूएसए का पिक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है। और नॉर्थ की तरफ जो है, ये सियाटल जो प्लेस था, नॉर्थ की तरफ वॉशिंगटन के अंदर था, जो कि यूएसए के नॉर्थ की तरफ पड़ता था। तो मतलब नॉर्थ भी है और वेस्ट भी है, आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो मैंने दिखाया। तो उस तरफ वो अपनी बाउंड्रीज फैलाना चाहते हैं किंग जॉर्ज। तो अब इतनी दूर अपनी बाउंड्रीज फैलाना चाहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं नॉर्थ की तरफ, तो वो हमारे फादर ही तो हुए, ग्रेट गुड फादर हुए। आई से सेंड्स अस वर्ड दैट इफ़ वी डू एज ही डिज़ायर्स ही प्रोटेक्ट अस। वो बोलते हैं कि वो हमको वर्ड देते हैं अपना, वो हमसे प्रॉमिस किए हैं कि अगर हम उनके हिसाब से अपना काम करते हैं, कि एज ही डिज़ायर्स वी इफ़ वी डू एज ही डिज़ायर्स, मतलब जैसे कि वो डिज़ायर करते हैं, एंड वी डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, इफ़ वी टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें प्रोटेक्शन देंगे। तो फादर ही तो हुए हमारे। तो अ काइंड ऑफ आयरनी विच चीफ सियाटल इज यू नो स्पीकिंग अपॉन द स्पीकिंग अपॉन जॉर्ज वॉशिंगटन। हिज ब्रेव वॉरियर्स विल बी टूअर्ड्स अ ब्रिस्टलिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ, और उसके जो वॉरियर्स होंगे, उसके जो योद्धा लोग होंगे, वो हमारे हमारे लिए ब्रिस्टलिंग वॉल की तरह स्ट्रेंथ, मतलब ब्रिस्टलिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ की तरह हमारे लिए काम करेंगे। ब्रिस्टलिंग मतलब स्टिफ वॉल, मतलब एक इस तरह के मैंने मजबूती मजबूती का स्टिफ वॉल की तरह वो हमारे लिए खड़े रहेंगे और दुश्मनों को हमारे तक पहुंचने के लिए नहीं देंगे। एंड इज वंडरफुल शिप्स ऑफ वॉर विल फिल आवर हार्बर्स, और उनका जो हार्बर्स है जहाँ पर वो रहते हैं, सिएटल जो एकदम समुद्र के बगल में था, उनका जो हार्बर्स है वहाँ पर वो अपने वंडरफुल शिप्स को भर देंगे, ताकि सो दैट आवर एंशियंट एनिमीज फार टू नॉर्थवर्ड, जो ताकि जो हमारे एंशियंट पुराने हमारे जो दुश्मन हैं, जो पूरी नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रहते हैं, नॉर्थ वर्ल्ड नॉर्थ की तरफ रहते हैं, वो हियाज़ और हियाज़ और तो ये जो नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ रहते हैं, हियाज़ और सिम्शियंस विल सीज टू फ्राइटन आवर वुमेन। वो हमारे वुमेन को डराना छोड़ देंगे। वो देखिए, ये ट्राइब्स में पहले बता चुके हैं, वहाँ बहुत सारे ट्राइब्स होते थे, जिसमें से ये जो ड्वेमिस या फिर स्क्वेमिश के का किंग था, किंग सियाटल, सॉरी चीफ सियाटल जो है, वो इन दोनों में से किसी ट्राइब का एक वो जो है चीफ था। और भी वहाँ बहुत सारे ट्राइब्स होते थे, हियाज़ और सिम्शियंस, वो एक बता रहा है, वो हियाज़ और सिम्शियंस का जो ट्राइब्स है, ये भी उनका दुश्मन था जो उनसे लड़ते रहते थे। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग वॉशिंगटन की बात, जॉर्ज वॉशिंगटन की बात अगर हम लोग सुन लेते हैं, तो वो हमारी रक्षा करेंगे, इन ट्राइब्स के लोगों से भी हमारी रक्षा करेंगे, जो कि हमारे बच्चों को और औरतों को डराते रहते हैं, और ओल्ड मैन को और बूढ़ों को भी डराते रहते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करेंगे। देन इन रियलिटी ही विल बी आर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रन। तब क्या होगा कि सच में हम लोग तो उसके, वो हमारा फादर हो गया और हम लोग उसके बच्चे हो जाएंगे। बट कैन दैट एवर बी, क्या ये कभी भी हो सकता है? योर गॉड इज नॉट आवर गॉड, ये कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये तो चीफ सियाटल तो लोग को आयरनी मार रहे हैं ना, उनकी तरफ उनको व्यंग कस रहे हैं, हर चीज़ के लिए व्यंग कर रहे हैं उनकी तरफ।
योर गॉड इज नॉट आवर गॉड, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जो भगवान है वो हमारा भगवान कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हारा भगवान अलग है, हमारा भगवान अलग है। योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन, तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारे लोगों को जो है प्यार करता है और हमारे लोगों को नफरत करता है। ही फोल्ड्स इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स, ही फोल्ड्स इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स लविंग अबाउट द पेल फेस लीड्स हिम बाय द हैंड एज अ फादर लीड्स एन इन्फेंट सन। बोलता है कि वो अपने हाथों को फोल्ड करता है, मतलब वो जो गॉड है वो अपने हाथों को फोल्ड करता है, अपने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स को वो फोल्ड करता है किसके लिए, अपने पेल फेस बच्चों के लिए, पेल फेस मतलब वाइट अमेरिकन्स के लिए। वो अपने हाथों को फोल्ड करता है उनकी रक्षा करने के लिए, मतलब उनको हर तरफ से देखने के लिए वो तत्पर है। एंड लीड्स हिम बाय द हैंड, और उनके हाथों को पकड़ने के लिए और उनको चलाने के लिए, जैसे कि एक पिता अपने इन्फेंट अपने छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ के चलाता है, उसी तरह से उनका भगवान सिर्फ उनको ही हाथ सिर्फ उनके हाथ थामने के लिए ही अपने हाथों को फोल्ड करता है या अपने हाथों को फैलाता है। बट ही हैज़ फॉरसेकन हिज रेड चिल्ड्रन, लेकिन उसने अपने रेड चिल्ड्रन को छोड़ दिया है, फॉरसेकन कर दिया है, मतलब हमेशा के लिए छोड़ दिया है उनकी तरफ वो कभी भी, मैंने अपने रेड चिल्ड्रन की तरफ वो कभी भी ध्यान, वो जो भगवान है वो कभी भी हमारे तरफ, सो फॉर सेकंड के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू सम सिनोनिम्स, एबंडेंट लिख सकते हैं, डेजर्टेड लिख सकते हैं, क्विट लिख सकते हैं, फॉर सेकंड छोड़ दिया। आवर योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्ग एवरी डे। उसके बाद चीफ सिएटल बोलते हैं, सो कहाँ थे हम लोग, वैक्स स्ट्रॉन्गर, सो योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे, मतलब डे बाय डे, मतलब उनको वैक्स स्ट्रॉन्गर का मतलब वो अपने लोगों को दिन प्रतिदिन, विथ ईच पासिंग डे देयर गॉड इज मेकिंग देयर पीपल, मेकिंग हिज पीपल stronger and stronger with each passing day. Soon they will fill all the land, और धीरे धीरे वो पूरी इस सारे लैंड को वो भर देंगे, मैंने उनकी संख्या इतनी भर जाएगी कि चारों तरफ वही नज़र आएंगे। Our people are ebbing away like a rapidly receding tide that will never return. और हमारे लोग ebbing away का क्या मतलब हुआ, हमारे लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, moving away, कम होते जा रहे हैं, moving away मैंने दूर चल जाते जा रहे हैं उस टाइड की तरह, मतलब जो जो सी में जो वेव्स उठता है, जो टाइड्स उठता है, धीरे धीरे वो वापस चला जाता है उठकर, रिसीडिंग मतलब पीछे चला जाता है और फिर वो कभी नहीं आता, उसी तरह से हमारे लोग भी धीरे धीरे पीछे जाते जा रहे हैं जो कभी भी वापस नहीं आएंगे। द वाइट मैंस गॉड कैनॉट लव आवर पीपल, ही वुड और ही वुड प्रोटेक्ट देम, उनके लोग उनके भगवान हमको कभी भी जो है प्यार नहीं कर सकते हैं और कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दे सीम टू बी ऑर्फन्स हु कैन लुक नोवेयर फॉर हेल्प, वो उस ऑर्फन्स की तरह है, मतलब ऑर्फन्स मतलब जिनका कोई नहीं होता है, वो उन ऑर्फन्स की तरह है जो कहीं पर भी हेल्प के लिए आशा नहीं कर सकते हैं। हाउ देन कैन वी बी ब्रदर्स, तो हम लोग कैसे भाई भाई हुए। हाउ कैन योर गॉड बिकम आवर गॉड, तुम्हारा गॉड हमारा गॉड कैसे बन सकता है। एंड रिन्यू आवर प्रॉस्पिरिटी, और हमारे प्रॉस्पिरिटी हमारी समृद्धि को कैसे बढ़ा सकता है, हमारी समृद्धि को कैसे रिन्यू कर सकता है। यहाँ पे रिन्यू का क्या मतलब हुआ, कैसे हमारी प्रॉस्पिरिटी, हमारी प्रॉस्पिरिटी को कैसे वो तुम्हारा गॉड जो है वो हमारी प्रॉस्पिरिटी को कैसे वो रिवाइव कर सकता है। रिवाइव कर सकता है का मतलब फिर से कैसे वो नया कर सकता है, हमारी प्रॉस्पिरिटी को कैसे तुम्हारा गॉड फिर से रीजेनरेट कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, कैसे हमारी प्रॉस्पिरिटी को तुम्हारा भगवान
फिर से कैसे रिकॉमेंस कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है. तो हियर अगेन आई हैव गिवन यू थ्री वर्ड्स फॉर रिन्यू, रीजनरेट, रिवाइव एंड रिकॉमेंस. आप ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ रिन्यू. एंड अवेकन इन अस, अवेकन इन अस ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस. और हमारे अंदर कैसे हमारे अंदर अवेकन कर सकता है, मतलब जिंदा कर सकता है, जगा सकता है उस ड्रीम को, जो कि हम लोग ग्रेटनेस, अपने ग्रेटनेस के रिटर्न को, माने हमारा ग्रेटनेस वापस आ जाएगा. पहले तो वो ग्रेट थे ना, उनको, उनके साथ लड़ाइयाँ हो होकर अत्याचार होते होते अब उनके लोग दे हैव डाइड, मैनी पीपल हैव डाइड, और मैनी पीपल नाउ दे आर लेस इन नंबर्स एंड वाइट पीपल आर न्यूमेरस इन यू नो इन नंबर्स. तो पहले वो ग्रेट हुआ करते थे, महान हुआ करते थे. नाउ दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, वेयर दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स. तो क्या उनका, उनका भगवान हमारा ग्रेटनेस को वापस ला सकता है? तो ये सारे सवाल जो है चीफ सिएटल इस स्पीच में वो करते हैं वाइट लोगों से. वेल दैट्स व्हाई दिस स्पीच इज़ अ टाइप ऑफ आयरनी विच चीफ सिएटल इज़ टॉकिंग अबाउट. एंड वो वाइट पीपल लोगों के ऊपर ये सारी सारे व्यंग कसते हुए अपने स्पीच को देते हैं. वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर, वी मस्ट, ही मस्ट बी पार्शियल, और फॉर ही केम टू हिज, हम लोगों का एक बोल रहा है कि इफ़ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर, अगर हम लोगों का कोई कॉमन हेवनली फादर है, मतलब अगर ऐसा कोई भगवान है जो सबके लिए कॉमन है, हेवनली फादर मतलब ऐसा भगवान जो सबके लिए कॉमन, जो सबका भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा भगवान है या फिर तुम्हारा भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा कोई भगवान है तो ही मस्ट बी पार्शियल, तो उसको जरूर भी पार्शियल होना चाहिए. पार्शियल, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए. ही मस्ट बी, उसका वो उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनको. तो वो बोल रहा है कि इफ़ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर, अगर कोई कॉमन हेवनली फादर है तो है, लेकिन वो जो है वो ज़रूर पार्शियल होगा, वो इम्पार्शियल नहीं है. पार्शियल मतलब जो कि बायस हो, जो एक तरफ के लोगों का पक्ष रखता हो, दूसरे तरफ के लोगों का पक्ष नहीं देखता हो, तो वो ज़रूर पार्शियल होगा, वो इम्पार्शियल नहीं है. वो जो है ज़रूर प्रेजुडिस्ड नेचर का होगा, वो जो है नॉन प्रेजुडिस्ड नहीं है, वो ज़रूर पार्शियल है. फॉर ही केम टू हिज पेल फेस चिल्ड्रेन, क्योंकि वो अपने वाइट फेस्ड चिल्ड्रेन के लिए आया, वो अपने जो ऐसे बच्चों के लिए आया, माने वाइट लोगों के बारे में बोल रहे हैं चीफ सिएटल, कि वो उनके लिए आया. इसका मतलब क्या है कि वो ज़रूर पार्शियल होगा, वो इम्पार्शियल हो ही नहीं सकता, वो ज़रूर प्रेजुडिस्ड नेचर का होगा, वो अनप्रेजुडिस्ड हो ही नहीं सकता. आगे कहते हैं ही नेवर सॉ हिम, वी नो नेवर सॉ हिम, हम लोगों ने उस गॉड को कभी भी नहीं देखा, और चूंकि वो अपने पेल फेस चिल्ड्रन के लिए ही सिर्फ आया है, हम लोगों ने उन्हें कभी भी नहीं देखा. ही गेव यू लॉज, उसने तुम लोगों को लॉज दिया, नियम दिया. उन लोगों ने, ही गेव यू लॉज बट हैड नो वर्ड फॉर हिज रेड चिल्ड्रन. उन लोगों ने तुमको लॉज दिया, नियम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके पास कोई वर्ड ही नहीं था, इसीलिए उस गॉड को वो पार्शियल बता रहे हैं. चीफ सिएटल उस गॉड को पार्शियल बता रहे हैं, प्रेजुडिस्ड नेचर के बता रहे हैं, जो कि सिर्फ एक तरफ के लोगों को देखता है, दूसरे तरफ के लोगों को नहीं देखता है. तो उस वो एक ऐसा गॉड है जिसके पास कोई भी वर्ड नहीं है अपने रेड चिल्ड्रेन के लिए. हुज टीमिंग मल्टीट्यूड्स वंस फिल्ड दिस फास्ट कॉन्टिनेंट एज स्टार्स फिल द फर्मामेंट. और उसके पास अपने रेड माने बच्चों के लिए, मैंने अपने लिए सिर्फ सिएटल बोल रहे हैं, अपने रेड बच्चों के लिए
उनके पास उस भगवान के पास कोई भी वर्ड नहीं है। हुज टीमिंग, टीमिंग का क्या मतलब हुआ, जो टीमिंग मल्टीट्यूड्स मतलब उनके जो रेड चिल्ड्रन, इनका जो रेड चिल्ड्रन का जो आबादी है, हुज टीमिंग मल्टीट्यूड्स। टीमिंग का क्या मतलब हुआ, फुल ऑफ, बी फुल ऑफ, इसके लिए लिख सकते हैं स्वार्मिंग विथ मल्टीट्यूड से लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ये जो रेड चिल्ड्रन जो है, इनका जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, मैंने इनकी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, वो एक समय ऐसा था जब ये पूरे वास्ट कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट में भरा हुआ था उनका पॉपुलेशन। ये पूरे वास्ट कॉन्टिनेंट में कभी ऐसा भी हुआ था कि पूरा जो वो जो कॉन्टिनेंट था यूएसए का, मतलब वो जो नॉर्थ अमेरिका है जिसमें मैक्सिको, कैनेडा और यूएसए आज के ज़माने में है, वहाँ वो जो पूरा नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था, उस पूरे कॉन्टिनेंट में ये जो रेड चिल्ड्रन थे, मैंने ये जो रेड इंडियंस थे, ये भरे हुए थे। टीमिंग मल्टीट्यूड्स मतलब मतलब कि बी फुल ऑफ इसका मतलब हुआ, और पूरा कॉन्टिनेंट एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, मल्टीट्यूड मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल से ये पूरा कॉन्टिनेंट भरा हुआ था। ठीक उसी तरह से एज स्टार्स फिल द फर्मामेंट, और ये उसी तरह से इस पूरे कॉन्टिनेंट में हमारे रेड इंडियंस भाई बहन भरे हुए थे, जैसे कि स्टार स्काई को, फर्मामेंट मतलब स्काई, हेवन, जैसे कि जो स्टार्स है वो स्काई में भरा हुआ होता है, हेवन में भरा हुआ होता है। नो वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, बोलते हैं आगे वो कहते हैं कि नो हो ही नहीं सकता, ना 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 बिल्कुल ना, वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, हम लोग दो अलग अलग जातियां हैं, हम लोग कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं। देखिए आयरनी आया ना, पहले वो बोले अरे ये तो हमें, अरे हमको तो इनको अपना पिता ही बना लेना चाहिए, अरे ये तो हमको इतना प्रोटेक्शन दे रहा है, अरे अब तो बस ये हमारे लिए सब कुछ है, अरे ऐसा है, अरे अब तो इनका हाथ ही पकड़ लेना चाहिए, ये हमारे लिए सब कुछ है। लास्ट में वो तुरंत बदल गए अपने बातों से और कहने लगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वो हमारे पिता कभी हो ही नहीं सकते, वो हमारे लिए कभी भी प्रोटेक्टिव नेचर के हो ही नहीं सकते। अभी वो इस जगह बोल रहे हैं नो वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, वो हम पूरी तरह से दो अलग अलग जातियां हैं, विथ सेपरेट ओरिजिन्स एंड सेपरेट डेस्टिनीज, हम दो अलग अलग ओरिजिन से आए हैं, ये वाइट पीपल यहीं के वाशिंदे हैं, यहाँ इनका ओरिजिन है, और जो रेड इंडियंस है वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उनका ओरिजिनल प्लेस इंडिया था, वो इंडिया से नॉर्थ अमेरिका के इन क्षेत्रों में गए थे, इन रीजन्स में वो गए थे और वहाँ जाके वो बस गए थे, और हमारी डेस्टिनीज भी सेपरेट हैं, इनकी डेस्टिनी अच्छी है नो डाउट, इन ये अब एकदम बहुत ज़्यादा हो गए नंबर में, और हमारी डेस्टिनी बहुत ही ख़राब है क्योंकि अब हम धीरे धीरे नंबर में कम होते जा रहे हैं, हमारे साथ और भी कुछ बुरा होने वाला है, हमारी डेस्टिनीज अलग है, इनकी डेस्टिनीज अलग है, देर इज़ अ लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस, और हम दोनों के बीच में कुछ भी बहुत, मैंने लिटिल का मतलब देर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन अस, लिटिल का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर कॉमन है, लिटिल का मतलब होता है नो, कम्प्लीटली नो, इसका मतलब होता है नो, सॉरी ये भी हिल गया, लिटिल का मतलब होता है नो, ये मतलब देर इज लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस, मतलब हम लोगों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं इसको, यहाँ तक बिटवीन अस, बिटवीन अस, नेक्स्ट क्लास में टू अस से विल स्टार्ट। सो अगेन मैं बोलती हूँ आपको हर वीडियोस में, अभी भी बोल रही हूँ कि इफ़ यू लाइक माय वेज ऑफ टीचिंग, माय वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय वीडियोस इफ़ यू आर न्यू टू इट, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, and the most important thing about my video which I would like to share with you and I always do is that I give explanation both in Hindi and in English, dono languages mein main samjhane ke liye I try my best to make you understand in both the languages, Hindi and English, so I hope or
ऑन दी अदर हैंड आई ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग विद द हेल्प ऑफ मैप्स. मैप्स में मैं हर कुछ दिखा देती हूँ आपको. आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में भी जहाँ ज़रूरत होती है आई शो यू मैप्स एंड एवरी थिंग. और आई एम टॉकिंग अबाउट माई अदर चैनल विच इज़ सोशल स्टडीज़ विथ रितु. एंड इन दिस चैनल मैं हर एक चैप्टर का सेपरेट एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसमें भी. और ऑफकोर्स इन दैट चैनल दैट चैनल अबाउंड्स इन यू नो डिफरेंट मैप्स बिकॉज विदाउट मैप्स पढ़ाना और पढ़ना दोनों सही नहीं है. और पूरे मैप्स के साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ. एंड सो गो टू दैट चैनल एज वेल एंड वॉच माई वीडियोज देयर ऑल्सो. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विच विल बी बेनिफिशियल एज फार एज योर स्टडीज और सिलेबस इज कंसर्न्ड. एंड डू वॉच माई वीडियोज इन दैट चैनल एज वेल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट if there are something which are also required on my part. I will try my best to take up your suggestions and include in my teaching. Okay, till then bye. Next video mein milte hain iske next part ke sath. Bye.